बहुत वड्डा चेहरा है परनीत कौर जी, जिहड़े पहला मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरन अफेयरस भी रहे ने, राजमंत्री रहे ने विदेश दे, और चार बार मैंबर पार्लीमेंट रहे ने, और हमेशा पंजाबीयत दी देश दी आवाज़ नूं बुलंद करते रहे ने। जिथे असीं उन्हां नूं वधाई दिंदे आं अज पार्टी ज्वाइन करन ते, सानूं यकीन आ कि उन्हां दे पार्टी ज्वाइन करन दे नाल पंजाब नूं इक होर मजबूती मिलेगी। 13 सीटां ते जिथे लोक सभा दे अंदर बीजेपी चुनाव लड़न जा रही आ, उन्हां सीटां दे उत्ते इक बहुत मजबूत जिहड़ी आ सानूं ये पंजाब दे अंदर मिलेगी इन्हां दे आउण दे नाल, और सानूं यकीन आ कि उन्हां 13 सीटां ते इन्हां दे आउण दे नाल बहुत वड्डा वोटां दा वी पंजाब दे अंदर एक माहौल बदलूगा और एक मजबूती मिलेगी एक देश दे अंदर मजबूती नाल काम करन वाली एक आयरन लेडी दे तौर दे उत्ते, एक नारी शक्ति दे तौर उत्ते सानूं एक ताकत मिलेगी। देखो सानूं पार्टी वल्लों यही कहा कि 13 सीटां लड़ना, बाकी हाईकमांड जो भी तय करूगा, साडी जानकारी मुताबिक पार्टी ने यही कहा है कि 13 सीटां ते लड़न की तैयारी की जाए, बाकी पार्टी हाईकमांड जो भी फैसला लूगी इतने नाल ही हाँ, लेकिन हुण तक सानूं जो जानकारी दी गई है कि तुसीं 13 सीटां दे उत्ते अपना काम करो, 13 सीटां की तैयारी करो, और पंजाब के लोगों नूं जो देश के प्रधानमंत्री वालों काम किए गए हैं उसकी जानकारी दिओ। जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज बहुत ही घटिया किस्म का बयान दिया, मुझे दुख और खेद है, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर एक मेंबर पार्लियामेंट 2-3 दिन से मेरे से बात करके मुझे ये बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के जनता जो उनको वोट नहीं डाल रही, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि एक विशेष वर्ग की वोट जो उनको डलती थी वो कांग्रेस की तरफ जारी है, उस वोट को वापस लाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये हमने कल्पना नहीं की। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने एक नीति के तहत हिंदू और सिखों को भिखमंगे कहा है, हिंदू और सिखों को मांगने वाले भिखारी कहा है, हिंदू और सिखों को देश के दिल्ली के लोगों के लिए खतरा बताया है, हिंदू और सिखों को ये कहना कि आपकी बच्चियां इनके घरों पे सुरक्षित नहीं रहेंगी अगर ये लोग जो कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान से अपने धर्म के कारण प्रताड़ित होकर देश में आए, ऐसे लोगों के प्रति इस तरह की शब्दावली कहना, खास तौर पर पंजाबियों के बारे में ये कहना कि ये भुखमंगे हैं, ये गरीब लोग आ जाएंगे दिल्ली के लोग आके उजाड़ देंगे, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरीके उस विशेष वर्ग की वोट ली जा सके। मैं दावे से आज अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो कह के दिखाइए कि रोहिंग्ये जो देश के अंदर आए हैं, जिन्होंने बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनसे देश को खतरा है। हिम्मत है तो कह के दिखाइए कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी आई हैं, उनसे भारत के लोगों को खतरा है, दिल्ली के लोगों को खतरा है, नहीं कह पाएंगे। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आज कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारे सिख और पंजाबियों से खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि रोहिंग्यों को मकान भी दो, घर भी दो, नागरिकता भी दो, और उनको कारोबार और व्यापार भी दो। और आज उन्होंने यह भी कहा कि कैनेडा के अंदर जो लोग बसे हैं उन्होंने वहां पर जाके बड़ी गंदगी फैलाई, इसलिए उनकी इमिग्रेशन बंद कर दी गई। क्या पंजाब के लोग जो वहां पर गए हैं, भारत के लोग जो वहां पर गए हैं, पंजाबी सिख जो वहां पर गए हैं, क्या उन्होंने कनाडा में जाके गंदगी फैलाई है? क्या उन्होंने जाके वहां पे ये इसलिए गंद फैलाया कि इमिग्रेशन बंद होगी? सच्चाई तो ये है अरविंद केजरीवाल जी, आप में हिम्मत नहीं उनका नाम लेने का जिनके कारण इमिग्रेशन बंद हुई है। इमिग्रेशन पंजाबियों को बदनाम मत करो, सिखों को बदनाम मत करो जिन्होंने आपको वोटें डाली हैं, वो गंदे कभी नहीं हो सकते, लेकिन जिनके कारण इमिग्रेशन बंद हुई उनका नाम लो, सीरिया वाले लोगों का नाम लो, रोहिंग्यों का नाम लो, इराकियों का नाम लो जिनके कारण वहां की इमिग्रेशन बंद हुई है, लेकिन तुम एक वोट की खातिर पूरे देश के सिखों को और हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो क्योंकि तुम एक वर्ग की वोट चाहिए, इससे गंदी राजनीति, गंदी राजनीति, गंदी राजनीति करने वाला गंदा कीड़ा और कोई नहीं हो सकता, गंदगी का कीड़ा गंदा ही रहेगा, ये बड़ा स्पष्ट हो गया अरविंद केजरीवाल जी के इस बयान से। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।